आज़ाद कश्मीर और प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर, ख्वातीन हज़रात, बैरिस्टर सुल्तान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मैं सबसे पहले तो अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह ने ये मौका दिया कि हमने वो लोग जो कि मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और जिनको अभी जिस तरह सदर और वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर ने बयान किया कि किस तरह के उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये जो बमबारी करते हैं और घर चले जाते हैं, लोग शहीद हो जाते हैं, तो उन लोगों की मदद करना मुझे बड़ी फ़ख्र है। ये अल्लाह का काम है कि हमने कम अज़ कम उसने हमें ये मौका दिया कि हम इन तक पहुँचे। और जो हमारा एहसास का प्रोग्राम है, 1,38,000 ख़ानदानों तक इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम पहुँचेगा, ठीक है ना। काम है कि हमने कम अज़ कम उसने हमें ये मौका दिया कि हम इन तक हमारा एहसास का प्रोग्राम है 1,38,000 ख़ानदानों तक इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम पहुंचेगा, ठीक है ना। 1,38,000 ख़ानदान, इनको हमारी एहसास प्रोग्राम से पैसे मिलेंगे। और उसके अलावा जो मुझे और भी ज़्यादा खुशी है, 12,00,000 लोगों को आज़ाद कश्मीर में हेल्थ कार्ड मिलेगा। हेल्थ कार्ड का मतलब कि 10,00,000 का वो हेल्थ कार्ड होगा कि 10,00,000 तक किसी भी हस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये मेरे ख़्याल में अगर कोई भी ऐसा अगर कदम हो जिससे एक आम इंसान की ज़िंदगी सब आसान की जाती है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। जो लोग मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई किसान हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, मज़दूर हैं, मुश्किल से इतना पैसा होता है कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके, अपने माँ बाप का, तो जब उस घर में बीमारी होती है तो सबसे पहले वो ख़ानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है, क्योंकि वो जो बीमारी में वो जो पैसा खर्च करते हैं उससे उनका सारा बजट ख़राब हो जाता है। और ये सारी रिसर्च ये साबित करती है कि क्या एक चीज़ एक ख़ानदान को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके जाती है, जब एकदम कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो ख़ानदान के पास पैसा ना, वो अस्पताल में पैसे खर्च करें और उनका सारा बजट ख़राब हो जाए। तो इसलिए ये हेल्थ कार्ड 12,00,000 लोगों को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में हम हेल्थ कार्ड देंगे, जिससे यानी तकरीब आपकी सारी आबादी, जितनी भी यहाँ आज़ाद कश्मीर की आबादी, सारी फाटा की आबादी जो पहले अब मिल गया पख्तूनख्वा के साथ, सारी फाटा की आबादी को हमने फैसला किया कि जो लोग पीछे रह गए हैं हम इन सब को हेल्थ कार्ड देंगे, सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। उसके बाद मुझे ये जो अभी प्रेसिडेंट साहब ने बात की, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल टॉर्चर डे, यानी तशद्दुद के ख़िलाफ़ दिन। जो हिंदुस्तान और ख़ास तौर पे ये आरएसएस की इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जुल्म तो पहले भी कश्मीरियों पे हो रहा था, लेकिन जो इस हुकूमत ने जुल्म किया है, पैलेट गन से बच्चों की आंखें चली गई, हज़ारों लोगों को पकड़ के, जिसमें बच्चे 10-10, 12-12 साल के बच्चों को घर से उठा के जेलों में चले गए, मैस ग्रेव्स, कब्रें मिली जिसमें कितने लोगों की लाशें इन्होंने मार के दफनाई हुई थी, ये जो जुल्म किया है, जो जालिम होता है अमूमन
हमेशा नहीं, अमूमन बुजदल होता है, जुल्म करता है उन लोगों के ऊपर जो बेबस होते हैं, जो लड़ नहीं सकते। जो कश्मीर में हम देखते हैं 8 लाख फौज 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर, हर रोज किसी ना किसी हम सुनते हैं कि कोई नौजवान शहीद हो गया। ये पूरी प्लान से ये कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो इसने गुजरात में किया था, 3 दिन इसने गुजरात में पुलिस को पीछे रखा और ये आरएसएस के जो कातिल थे, इन्होंने जाके मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, कत्ल किए, रेप किया और 1 लाख मुसलमानों को घरों से इन्होंने उनके निकाल दिया। और तब भी पता चल जाना था कि इसका ज़हनियत क्या है, ये किस तरह की सोच है इस आदमी की। ये एक आम आदमी नहीं है, ये एक साइकोपैथ है। ये जिस तरह की इसकी सोच है, इनकी जो जमात थी वही हिटलर की नाजी पार्टी, ये जो आरएसएस है ये उसकी पैदावार है। ये अपने आप को जो हिटलर की नाजी पार्टी थी ये उसके जानशीन समझते हैं, ये रोल मॉडल समझते हैं हिटलर की नाजी पार्टी को, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। जो हिटलर की नाजी पार्टी ने किया जर्मनी में, जिस तरह उसने यहूदियों की कत्लेआम की, और बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं सदर साहब कि पहले उन्होंने यही काम किए जो ये अब ये कर रहे हैं कि न्यूरम्बर्ग लॉज आए, जिससे शहरियों को पहले उन्होंने उनकी सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन किया कि आप शहरी भी हैं या नहीं। ये बिल्कुल वही मुसलमानों से जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, ये सब हिटलर ने नाजी जर्मनी में किया था यहूदियों के खिलाफ, औरों के साथ भी, जिप्सीज और भी थे लेकिन खास तौर पर यहूदियों के लिए, और उसके बाद जेनोसाइड की थी। ये असल में जा रहा है जेनोसाइड की तरफ, और इसके लिए पाकिस्तान इंशाल्लाह सारी दुनिया में, मैंने तब भी कहा था मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा और दुनिया में, दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के पास मैं गया, बताया कश्मीर का, लोगों को उन हेड्स ऑफ स्टेट को आरएसएस का समझाया कि ये कितनी खतरनाक इनकी सोच है। ये वो इंतहा पसंद लोग हैं जो समझते हैं कि बाकी दीन के लोग इनके बराबर नहीं हैं, ये कोई ख़ास एक अल्लाह की मखलूक, जिस तरह हिटलर ने एरियन रेस की बात की थी, ये भी उसी तरह समझते हैं कि ये कोई ख़ास एक मखलूक हैं जो कि सबसे ऊपर हैं और बाकी सेकंड क्लास शहरी हैं। ये वो लोग हैं, और जो हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी यही कर रहे हैं, मसीह बरादरी से भी यही कर रहे हैं, लेकिन असल में मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आखिर में ये और भी सिखों के पीछे भी जाएंगे और भी जो भी उनके जो लोअर कास्ट हैं, क्योंकि ये भी ये ब्राह्मण सोच है, नीचे जो उनके शेड्यूल्ड कास्ट है उनको भी ये अछूत समझते हैं। इसलिए ये असल में तो तबाही हिंदुस्तान की कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी की सोच है असल में ये हिंदुस्तान की तबाही है। जो हिंदू भी हैं, जो अक्लमंद हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो भी समझ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान को उधर लेके जा रहा है, जो असल में तबाही हिंदुस्तान की होगी। लेकिन हम कश्मीर का इस वक्त जो हमारे कश्मीर के मकबूजा कश्मीर में लोग जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको ताकत और सब्र दे। और जो मैं देख रहा हूँ, कोई ताकत इनको, जो ये खौफ और हरासा फैला के, दहशत फैला के उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कोई ताकत उनके जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकती। बल्कि जब वो किसी को शहीद करते हैं तो और वह जज्बा ऊपर आ जाता है, नौजवान और खड़े हो जाते हैं। और कभी भी दुनिया में अगर 80 लाख लोगों को किसी का ख्याल है कि इनको ये डरा धमका के और आखिर में ये मूवमेंट उनको इतना डरा देंगे कि वो हाथ खड़े कर लेंगे, ये कभी भी नहीं हुआ। थोड़ी देर अगर मूवमेंट नीचे भी चली जाती है फिर ऊपर आ जाती है। और ये आप कश्मीर की तारीख देख लें कि बार बार ये जब जुल्म करते थे थोड़ी देर बैठती भी थी मूवमेंट, फिर ऊपर आ जाती थी। हम इंशाल्लाह दुनिया में सारी जगह पे इसको, इस कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं,
इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। पहले भी मैंने बात की हुई है, जो भी दुनिया का हेड ऑफ स्टेट है उसको मैं समझाता हूं कि ये कितना ख़तरनाक, किस तरह का एक ख़तरनाक सोच जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ गई है, उनको भी मैं आगाह करता हूँ। और इंशाल्लाह आप जब देखेंगे कि 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियाँ करेंगे, जिधर भी पाकिस्तानी है, जिधर भी कश्मीरी दुनिया में है, सबको हम तैयार करेंगे कि पूरी हम मूवमेंट सारी दुनिया में करेंगे, पाकिस्तान में भी, दुनिया को बताएंगे 5 अगस्त का। और उसके बाद फिर और तैयारियां करेंगे कि दुनिया को याद कराते रहें कि कश्मीरियों से क्या हो रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने इसको यूनाइटेड नेशंस में इतना उठा दिया था, न्यूयॉर्क के अंदर और सबसे मीडिया पर हर जगह उठ गया था, लेकिन जब अब वापस आए तो यहाँ एक साहब आज़ादी मार्च लेके निकल गए। और आज़ादी मार्च एक ऐसा, यानी कि जान के कोई सेबोटाज करता है तो वो सेबोटाज किया गया कि जो उठ रहा था सारा कश्मीर का कॉज, उसको सारा सेबोटाज करके आज़ादी मार्च के नाम पे उन्होंने सारा मीडिया और सब तवज्जो दूसरी तरफ ले गए। लेकिन इंशाल्लाह फिर से हम इस कॉज को उठाएंगे और बिल्डअप करेंगे पूरा 5 अगस्त तक। मैं आखिर में अपने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं हमारे हमारे यहाँ फैमिलीज़, क्योंकि कोई वो जो बमबारी करते हैं तो वो तो ये नहीं देखते कि आदमी है या औरत है या बच्चे हैं, तो मैं उनको ख़ास तौर पे उनको भी आज कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी हमारी हुकूमत आपकी मदद करेगी। अभी भी पूरा हम मुश्किल वक्त में, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारी आमदनी उतनी नहीं हुई जितनी इकट्ठी होनी चाहिए थी, उसके बावजूद हमने आज़ाद कश्मीर की जो बजट था वो बढ़ाया है, कम नहीं किया। बाकी जगह हमने पैसे कम किए हैं, लेकिन हमने फैसला किया कि आज़ाद कश्मीर, फाटा और बलूचिस्तान, इन 3 एरियाज़ के अंदर हम इनका बजट जो PSDP है और जो बजट है वो बढ़ाएँ, कम ना करें जी, और गिलगित बल्तिस्तान का भी। और इंशाल्लाह आपके साथ हम खड़े रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। कोई ये हमारे लिए कोई बात नहीं कि हुकूमत किसी और जमात की है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को जितनी भी हम उनकी मदद कर सकें इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।